फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अनन्या ब्लॉगर्स। आप लोगों को मेरे चैनल में सबको स्वागत है। और मैं आज एक आप लोगों के साथ बहुत सिंपल सा रेसिपी, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरा वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। कमती सामान से ही ये बन जाता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है। इसको बनाने के लिए चाहिए मूंग दाल, नमक, पाँचफोरन, हल्दी पाउडर, तेल, और मैंने अदरक को ऐसे पेस्ट बना के रखे हैं। अदरक ली है मैंने, फिर सूखा मिर्चा और तेज़ पत्ता, और एक मैंने लिए है लौकी, बड़ा सा लौकी लिए है। इससे ही मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, और एक लौकी से मैं आप लोगों को ढेर सारा रेसिपी बना के दिखाऊंगी। मेरा नया नया वीडियो में आप लोग वीडियो सबको आप लोग देखते रहिएगा, तो हम आप लोगों को दिखाते जाएंगे कि मैं क्या क्या बनाती हूँ एक लौकी से। इतना बड़ा लौकी को तो नहीं बनाऊंगी मैं, इसका आधा मैं काट लूंगी। इसका मैं अच्छे से स्किन सबको निकाल लूंगी, छिलका निकाल लूंगी। अभी मैंने पूरा लौकी को काट लिए है, वो पतला पतला काटे हैं। इसको अभी और मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि काटने से पहले ही मैंने धो लिए थे। दूसरी तरफ में मैं गैस को जला के सरा दिए हैं। अभी मैं कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दूंगी। मेरे कढ़ाई हल्का गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें मूंग का दाल को डाल दिए हैं। इसको मैं हल्का भूंज लूंगी, हल्का ही भूंजूंगी। ज़्यादा भून देने से ये नहीं गलेगा, ये नहीं पकेगा अच्छे से, इसीलिए मैं इसको हल्का ही भूंज लूंगी। मेरा दाल ये देखिए हल्का हल्का लाल हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया है। मेरा दाल भूंजा गया है, इसको मैं एक अलग सा गमला में उतार लूँगी। ये मैंने एक गमला में दाल को उतार लिए हैं। मैंने कढ़ाई को गैस में चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। ये तो गर्म ही है, इसी में मैं अभी तेल डाल दूँगी। मैंने सरसों तेल डाले है। आप लोग अगर कुछ अलग भी तेल या रिफाइंड या कुछ दूसरा भी तेल डालते हैं तो डाल सकते हैं आप लोग। मैं सरसों तेल ही डाली हूँ। मेरा तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें मैं डालूँगी पाँचफोरन। अगर आप लोगों को अगर पाँचफोरन किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग सफ़ेद वाला जीरा भी डाल सकते हैं। फिर मैंने डाल दिए है तेज़पत्ता, और मैंने इसके साथ डाल दिए है सूखा वाला मिर्ची। मैं जो पतला पतला करके मैंने कद्दू को काट के रखे थे, इसको धो के रखे थे, उसको डाल दूँगी। मैं नमक डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा ही बनाया है, इसीलिए नमक भी थोड़ा डालो। आप लोग जितना बनाएगा उसके हिसाब से आप लोग अपना अंदाज से नमक डालूँगी। अभी हल्दी, इसमें मैं कुछ मसाला नहीं डालूँगी। बिना मसाला का भी कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप लोग घर में बना के एक बार ज़रूर खाइए, तभी पता चलेगा कि सच में ये बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्टी बनता है। पता ही नहीं चलता है कि ये लौकी का सब्ज़ी है। तो मैं अभी कवर कर दूंगी। गैस का स्टीम थोड़ा सा कमती कर दी है मैंने, तो अभी मैं कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। 5-10 मिनट में तो इसका पानी निकल जाएगा कद्दू का, तब तक मैं इसको कवर कर दूंगी। दूसरी साइड में मैं जो दाल को भूंज के रखी थी, वो दाल को धो लूंगी, क्योंकि भूनने से पहले मैंने नहीं धोई थी। अगर धो देते तो ये नहीं भून जाता, इसीलिए मैं इसको भूनने के बाद ही मैं इसको धो। मैंने दाल को दो बार धो लिए है। अब देखिए पानी निकल रहा है कद्दू से, कितना पानी निकल रहा है कद्दू से, ढेर सारा पानी निकल रहा है, इसीलिए इसमें अलग से और पानी डालना नहीं होता है। कद्दू ऐसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें ढेर सारा विटामिन भी रहता है। और अभी गर्मी में तो कद्दू खाना ही चाहिए, क्योंकि ये शरीर को भी ठंडा रखता है, इसीलिए ये गर्मी में खाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसको अभी मैं क्या करूँगी, जो दाल मैंने धो के रखे थे इसके ऊपर मैं इसको डाल दूँगी। तो मैंने डाल दी है दाल को, अभी इसको मैं चला लूँगी। अभी मैं दाल में अलग से पानी नहीं डालूँगी। लौका वो जो कद्दू लौकी का जो पानी है, उसी से दाल भी पक जाएगा। और गैस का स्टीम थोड़ा सा कमती कर दूँगी, नहीं तो पानी जल्दी सूख जाएगा, दाल नहीं पकेगा। अभी देखिए फ्रेंड, मेरा कितने अच्छे से दाल पक रहा है। दाल और लौकी, दाल पक ही गया है सारे। देखिए दाल तो पक ही चुका है, अच्छे से दाल पक गया है। इसमें पानी भी नहीं, ज़्यादा नहीं है,
तो मैं इसको अभी ढक्कन खोल के फिर से गैस का स्टीम को कमती कर दूंगी और इसको ढक्कन खोल के ही पकने दूंगी, क्योंकि मैं पानी वाला, ये पानी अगर इसमें पानी रहेगा तो ये टेस्टी नहीं बनेगा। खोल के ऐसे इसको मैं फैला दूंगी, ऐसे करने से पानी जल्दी सूखता है, ये हेल्दी भी होता है। आप लोग घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कद्दू सेहत के लिए भी अच्छा होता है और दाल भी अच्छा होता है। दाल में भी तो ढेर सारा फाइबर रहता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कद्दू क्या गर्मी में तो खाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये शरीर को ठंडा रखता है, ये बहुत ठंडा होता है, इसलिए कद्दू को गर्मी में खाना ही चाहिए। देखिए मेरा जो लौकी का पानी था वो सूखने के लिए स्टार्ट हो रहा है। इसका स्टीम कम, गैस का स्टीम मैं कमती ही रखूँगी, नहीं तो नीचे में फंस जाएगा और ये जल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं कमती स्टीम में पका रही हूँ। और एक आप लोगों को मैं सीक्रेट टिप्स देने जा रही हूँ कि आपके घर में अगर कुछ भी आप सब्ज़ी बनाएं उसमें अगर पानी ज़्यादा हो गया और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पानी को सुखाइए गैस में, तो आप क्या कीजिएगा, हल्का सा बेसन नहीं तो आटा या मैदा कुछ भी लेके आप उसमें एक बाटी में उसको लीजिएगा, लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको फेंट के वो सब्ज़ी में डाल दीजिएगा, तब फच्छे उसका जो पानी है ना वो फच्छे सूख जाएगा और वो गाढ़ा भी और टेस्टी भी बन जाएगा सब्ज़ी। और रखूँगी, और जो मैंने अदरक को रखे थे पेस्ट बना के उसको मैं अभी डाल दूँगी इसमें, तो इसका खुशबू भी अच्छा आता है और ये टेस्ट भी बढ़ा देता है, ये बहुत स्वादिष्ट भी होता है और ये हेल्दी भी होता है, आप लोग घर में बना के खाइए। फ्रेंड मेरा ये सब्ज़ी पूरा हो गया है, पूरा अच्छे से पक गया है, नीचे में हल्का हल्का फंस रहा है, इसको मैं क्या करूँगी अभी बीज जगह को थोड़ा सा ऐसे करके बीज को फिर हल्का सा तेल डालूँगी, हल्का सा। हाँ अभी ये तेल डालने से क्या होता है कि अभी ये नीचे में नहीं फंसेगा, इसको और थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, ये नीचे में हल्का हल्का लग जा रहा है कढ़ाई के नीचे में, ये अच्छे से हो गया है। इसको मैं अभी आप लोगों को खा के बताऊंगी कि कैसा हुआ है इसका स्वाद। ऐसा अभी मैं आप लोगों को खा के बताती हूँ कि इसका ये कैसा हुआ है, कैसा अच्छा बना है, ये बहुत टेस्टी बना है। आप लोग मिर्ची भी डाल सकते हैं कच्चा वाला, हम लोगों के अनन्या खाएगी बोलते हम मिर्ची नहीं डाले हैं कच्चा वाला, आप लोग मिर्ची डाल के भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ है ये, एक बार घर में बना के जरूर खाइए। अगर आप लोगों को मेरे चैनल को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।